सर आपने आइसक्रीम कौन कौन सी कंपनीज की खाई है? देखो सर, मैंने तो पहले ही बता चुका था कि मैं अपन तो मटके की खाना पसंद करते हैं, और आपने जो खिलाई थी नागिन डांस, कौन सी थी वो? सर दरअसल उसका नाम था हैगिन डांस। अच्छा, हैगिन डांस। सर मैंने भी गुड्डू भाई की बात से मैं सहमत हूँ कि मैंने भी मटके की कुल्फी खाई है, और बाकी यहाँ आया हूँ तो मैंने कई प्रकार की खा चुका हूँ, मैं तो उसके नाम भी भूल गया। सर आपने कभी लंदन डेयरी की आइसक्रीम खाई है? अरे यार सर, कैसी बात कर रहा हूँ यार, बम्बई और दिल्ली डेयरी की कभी खाई थी तो हम तो गाँव के आदमी है, तो वो लंदन डेयरी की कहाँ से खाएंगे? सर क्या लंदन में भी डेयरी रहती है? मैं तो समझा कि वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्री रहती होगी क्या गुड्डू भाई? सही बात है। ठीक है सर, आज हम आपको लंदन डेयरी की आइसक्रीम सर्व करने वाले हैं, और इस आइसक्रीम का फ्लेवर होने वाला है चॉकलेट ब्राउनी डिलाइट। क्या बात है, तो सर आप इसे खाइए, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। चॉकलेट ब्राउनी और डिलाइट, तीन तीन चीज का मजा, वो भी सर आप बता रहे हो एक ही में, तो क्या बात है यार, ये तो हमारे सौ भाग गोएंगे खाने के लिए। दरअसल सर ये एक ही फ्लेवर। ओ एक ही फ्लेवर, इतना लंबा नाम, क्या बात है यार गुड्डू जी, देखो यार, ओहो बहुत प्यारी लग रही है तो यार। चॉकलेट की चीजें तो बड़ी मस्त रहती है यार, सन ने ऐसे ही एक चॉकलेट का वो पिलाया था शरबत। अच्छा हाँ, वो भी ऐसे ही था ब्राउन कलर का, क्या बाहर से दिख रहा था। अभी मैं तो ऐसा लग रहा समझ रहा था कि पान बिहार जैसा वो डब्बा था ना खाने का, हाँ। मैं ऐसा समझ रहा था। काफी ठंडी भी यार गुड्डू जी, यार देखो हाथ लगा पान बाहर, हाँ यार बहुत ठंडी है। क्यों यार राजू, अपने वहाँ तो जो डब्बे बने हुए रहते हैं पांच पांच रुपए आते हैं, वो तो कागज के रहते हैं यार, पूरा डब्बा बना है, मजबूत वो भी है, वो भी फट जाते हैं पांच पांच वाले कप के यार, देखो पूरा डब्बा प्लास्टिक में डाला ने बिल्कुल बढ़िया था यार। हाँ यार, कितने अच्छी तरीके से पैक करके दिया यार, इतने सारे नाम जो लिखे हुए हैं, शायद मेरे हिसाब से जिन्होंने बनाया है ना उन सबके लिखे हुए होंगे। हो सकता है ना यार, राजू मैं नाम पढ़ के बताऊं। हाँ देखो यार, बाबू शर्रू राय और राजू और क्या नाम है उसका, राइन। अरे और गुड्डू भाई, तुम्हारा तो नाम भूल ही गया तुम इसके अंदर। मेरा नाम भी है यार गुड्डू भाई, अब ये तो तुम ही करो सुक्कायरी क्या यार, इसका पता नहीं है यार, ऐसा नहीं हो कि वो खुल जाए पूरा ऊपर, ऐसा तो नहीं है। आइसक्रीम यार गुड्डू भाई, यार कोई सोडा थोड़ी है कि जो हवा उड़ जाएगा यार। यार मैं डर गया, डरने लग गया मैं यार, एक बार मेरे साथ कांड हो गया है जैसे बोला था, नहीं बाहर हो गया, अब इसे खोलू कैसे यार, शायद यहाँ से खुला हुआ गुड्डू। खोलने में खुशबू आ गई थी यार गुड्डू जी यार। लो राजू जी, लाजवाब चीज है यार गुड्डू भाई यार, बहुत बढ़िया लगे, ठंडा कर दिया पूरा गला। हाँ हाँ यार राजू जी, इसका टेस्ट कैसा लग रहा? टेस्ट तो बड़ा प्यारा लग रहा। क्या इसमें चॉकलेट की मात्रा ज्यादा दिख रही है मेरे को, क्या है ने इसमें कुछ, शायद मेरे ख्याल से बादाम वादाम भी डली हुई दिख रही है, पीसी हुई, पीसी हुई, पीसी हुई। हाँ जी, उसका टेस्ट आ रहा है, ये क्या मेरे हिसाब से दूध के अंदर घोल के, हाँ, उसको जमा के चॉकलेट का फ्लेवर डाल दिया। सन ने बताया तीन तीन फ्लेवर डाले इसके अंदर, तीन नहीं बोला तो नाम ही इतना बड़ा है उसका। अच्छा। जो बताया था ना आपको राजू जी, जो सर बता रहे हैं कि लंदन की डेयरी का दूध है ये बना हुआ है, दूध है मगर ये गाय क्या हिंदुस्तान की जा रही है, क्या हो रहा है कि वही की गाय हिसाब से सर बता रहा है लंदन डेयरी, तो मतलब मेरे हिसाब से लंदन की डेयरी होगी कोई ना कोई सी, क्या तो मई का दूध दिख रहा है मई की गाय का, ऐसा तुम क्या कहते हो? जरा वो गाय का दूध का तो फर्क कर नहीं सकते अपन यार। हाँ, वो तो गाय है यार। जैसा है। हाँ। गुड्डू भाई, लंदन डेयरी है जो, तो अपने यहाँ तो दूध छाछ दही घी सब मिलता। हाँ। तो वहाँ भी क्या आइसक्रीम के अलावा कुछ और चीजें मिलती होगी? ये सब चीजें जो अपने यहाँ मिलती है, जब क्या गाय की चीज मिल रही है तो वो तो सब चीजें मिलेगी फिर होता है यार।
जो गाय के दूध, गाय के दूध से सारी चीजें बनती है। उड्डू भाई तुम गाय 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 का दूध कह रहे हो तो सन्ने तो अपन को बताया नहीं कि गाय के दूध की बनी हुई है। बाहर विदेशों में दूसरी चीज का भी दूध रहता है, जैसे ऊंट का रहता है, बकरी का रहता है, भैंस का रहता है, और दूसरी चीजों का भी दूध रहता है, ये भी तो उसकी भी बनी हुई हो सकती है मेरे हिसाब से। बिल्कुल हो सकती है। इसमें यार राजू जी मेरे को एक किशमिश भी नजर आई इसमें। अच्छा, मतलब सब चीज मिला के बनी है, बहुत लाजवाब चीज बनी है मेरे हिसाब से। तो क्या ये गर्मी का मौसम के खाने की चीज है, मजा ला देगी गर्मी में। तो सर्दी में भी खाओगे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी क्योंकि कोई ना कोई से दूध की तो बनी हुई है। दूध तो फायदा ही करता, फायदा ही करता है। अरे यार राजू जी, दूध के अलावा बादाम, पिस्ते, काजू भी तो आ रहा है इसमें यार। और डबल टेस्ट है, डबल ताकत आएगी। सही बात है। उड्डू भाई, मेरे यहाँ तो क्या है कि मीठा बहुत कम खाते हैं। ये ऐसा नहीं लग रही है कि ज्यादा मीठा ही है स्वाद से? मीठा तो बहुत है यार, क्योंकि मिठास में क्या है कि आजकल के लोग इस मिठास को देख के दूर भाग रहे हैं। अच्छा, क्योंकि शुगर का मरीज आजकल आजकल आम हो गया, आम बात हो गई आजकल, तो इसलिए इस चीजों से दूर बहुत भाग रहा है। अच्छा, मगर ये क्या थोड़ी सी हल्की सी फीकी होती थी तो और बढ़िया हो जाती हो जाएगी। इसमें दूध की मात्रा बढ़ाना पड़ेगी गुड्डू जी मेरे हिसाब से। तो यार उसका टेस्ट ही खराब हो जाएगा। हाँ ये भी तो अपन, ये तो अपन कर लेंगे खाने के हिसाब में, जब आम जनता को थोड़ी दे सकते ऐसी चीज। सही बात, वो तो टेस्ट मांगेगी ना। अरे राजू जी, अपन कभी भी होटलों में जाते हैं खाना खाने या कुछ भी चीज खाने, ती तेल घी कैसा डालते हैं, ऐसा मजा लगा जाता है। गरम गरम जो खिलाते हैं, पेट की भी हालत खराब, मजे में अपन खा ही जाते हैं, मजे मजे में खूब खाते हैं और पेट की भी हालत खराब, दूसरे दिन लगाते हैं फिर अपन। सही बात है। तो इसमें जो है वो चीज तो नहीं है। हाँ ये तो है, फायदेमंद चीज है। हाँ। बस ये है कि थोड़ी सी मिठास है, मिठास और लोगों के वैसे दिल कड़वे हो गए यार, मुंह तो वैसे मिठास हो जाएगी तो मुंह और मजा आ जाएगा यार। सही बात। राजू जी, अपने वहाँ की जो शादियां होती हैं उसमें ज्यादातर चलन गाएगा गर्म चीजों का, मगर अपन थोड़ा चाहते हैं कि ये ठंडी चीजें इस्तेमाल हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए शादी, मजा ला देंगे। मतलब मजा आ जाएगा। सही बात। उड्डू भाई, आजकल के बच्चे जो चॉकलेट और आइसक्रीम दोनों के दीवाने, और सबसे बड़ी बात ये हो गई कि इसके अंदर सोने पे सुहागा हो गया कि दोनों चीज मिक्स है। बच्चे तो मजेदार खाएंगे, शौक से खाएंगे बिल्कुल, क्या पीछे पड़ जाएंगे। हाँ। ये अपनों को इतना बढ़िया टेस्ट लग रहा है उसका, तो बच्चे तो यूं ही मांगेंगे वही चीज मांगेंगे, वही लाके दो, वही लाके दो। सर वीडियो हो गई खत्म, मन मर गया। आइसक्रीम भी बहुत प्यारी थी, वो इसी मिठास पे मेरा गाना सुनिए। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, री भूल हुई अरे हमसे ये क्या समझा ये क्या जाना। पत्थर के सनम